अब देखना होगा कि पाकिस्तान या फिर किसी और T20 या इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रिकॉर्ड टूटता है या फिर नहीं। ये वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग है, मतलब रिकॉर्ड बनते ही टूटने सामने से बल्लेबाजी। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पेशावर वर्सेस क्वेटा के मैच में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। जेसन ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, मतलब PSL में क्या हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं आजकल। बाबर आजम की सेंचुरी, वाह वाह वाह, तालियां बजाने का मन किया। उसके बाद जेसन भाई, जेसन ने क्या किया, टोरिकल आप कहते हैं ना कि कोई पारी अगर खेलता है तो उसको याद रखा जाता है, तो वैसा ही कुछ काम किया है। एक हिस्टोरिकल पारी खेली है उसने, जो इतिहास में बहुत लंबे टाइम तक जो ये लीग है इसके इतिहास में, इसकी हिस्ट्री में याद किया जाएगा। देखते हैं इंडियन मीडिया क्या कहता है इसके ऊपर। PSL को फिर से बेटर बता रहा है, इंडिया में ट्रेंड कर रहा है PSL, तो देखते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सामने क्रम पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता रात होने वाले क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच ने जहां शायकीन के जोशो जज्बे में मजीद इजाफा किया, वहीं दुनिया भर में अपने बेपनाह फैंस में भी इजाफा किया। गुज़श्ता रात होने वाले मैच ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए और एक ही T20 मैच में 483 रन बनने का एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी बना डाला। बाबर आजम ने जिस तरह शानदार इनिंग खेली, वहीं उसके जवाब में जेसन रॉय ने भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को उनकी लाइन ऑफ लेंथ भी भुला दी और सेंचुरी स्कोर करते हुए अपनी टीम को एक शानदार फतह दिलाई। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान सुपर लीग का तबसरा बनता ही है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स को कवर करने वाले प्राइम मीडिया चैनल्स हैं, उन सब में आज की हेडलाइंस पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता रात होने वाले मैच को मिली। आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया ही की जुबानी वो सारी रुदात सुनाएंगे कि किस तरह गुज़श्ता रात के मैच ने जहां इतनी शोहरत पाई, वहीं पाकिस्तान सुपर लीग को शोहरत की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान सुपर लीग गुज़श्ता रात भारत में भी ट्रेंड करती रही, बल्कि अभी तक टॉप 4 ट्रेंड में पाकिस्तान सुपर लीग और जेसन रॉय का नाम है, जो न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक नेकशगुन चीज है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हर एक पाकिस्तानी का ब्रांड है और इस ब्रांड की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। और अगर इसी तरह के मुकाबले होते रहे, जिस तरह गुज़श्ता रात का एक जबरदस्त मुकाबला था जहां एक टीम ने 241 रन बनाए, अमूमन T20 में होता यही है कि अगली टीम कोशिश तो करती है लेकिन बहुत जल्द आउट हो जाती है, लेकिन गुज़श्ता रात जेसन रॉय, मोहम्मद हफीज और बाकी क्वेटा के प्लेयर्स जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप को तहोते करते नजर आए, ऐसा बहुत कम ही क्रिकेट हिस्ट्री में देखा जाता है। बहरहाल इस सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारत के प्राइम मीडिया इस सारे मामले पर क्या राय है, क्या तबसरा है, किस तरह वो हैरानो परेशान है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार फिर से बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच मुकाबला था, जहां पर पहले बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई, उसके बाद जेसन रॉय ने भी शतक लगाया और इसी के साथ 483 रन एक T20 मुकाबले में बने और क्रिकेट की दुनिया में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि आखिरकार 483 मुकाबले ने एक नया इतिहास लिखा है। पाकिस्तान सुपर लीग में इतिहास रच दिया गया है। जब हिंदुस्तान में क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट फैंस होली की खुमारी में थे, तब पाकिस्तान में T20 क्रिकेट का नया इतिहास लिखा जा रहा था। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग के क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले बाबर आजम ने शतक लगाया, जिसके बाद जेसन रॉय ने बाबर के रिकॉर्ड शतक पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। बहुत तगड़ा था भाई। दरअसल पेशावर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान बाबर आजम ने 115 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका साथ साई आयुब ने दिया, उन्होंने 74 रन बनाए, जबकि रोमन पॉवेल ने 18 गेंदों पर 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। क्वेटा के लिए डेवन पेटोरियस ने 1 विकेट अपने नाम किया। 241 के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्वेटा के लिए जेसन रॉय ने 63 गेंदों पर 5 छक्के और 20 चौकों की मदद से 145 रन नाबाद बनाए, जबकि मोहम्मद हफीज ने 41 रनों का योगदान दिया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 18.2 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना दिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PCL में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PCL में सबसे बड़ा रन चेस किया। पाकिस्तान ज़ल्मी के 241 के लक्ष्य के बदले क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 243 रन बनाए। मैच में कुल 38.2 ओवर फेंके गए, 48 चौके, 21 छक्कों के साथ 483 रन बनाए गए। इससे पहले PSL में
सबसे बड़ा स्कोर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 रन बनाया था। टी20 क्रिकेट में इतिहास बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन अब क्वेटा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। PSL के इतिहास में भी एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कोई भी टीम नहीं कर पाई थी। इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी टीम जो बाहर निकल रही। टी20 में सबसे बड़े चेस की बात की जाए तो टी20 में सबसे बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने यह इतिहास रचा था। न्यूजीलैंड ने 243 रन बनाए थे और लक्ष्य 244 का था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए थे। भले ही क्वेटा ने इस मैच को अपने नाम किया हो और कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हो, लेकिन इस जीत के साथ भी उन्हें पॉइंट टेबल में कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि टीम टूर्नामेंट से बाहर है। PSL के पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो लाहौर की टीम सबसे ऊपर है जिसके 12 अंक है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसके 12 अंक हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम तीसरे नंबर पर है जिसके 8 अंक है। पेशावर की टीम के भी 8 अंक है। क्वेटा की टीम के 6 अंक है, जबकि कराची की किंग सबसे नीचे 4 अंकों के साथ है। खैर, पाकिस्तान सुपर लीग में हुए इस मैच के बाद रिकॉर्ड बन गए। अब देखना होगा कि पाकिस्तान या फिर किसी और टी20 या इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रिकॉर्ड टूटता है या फिर नहीं। ये वन ऑफ द बेस्ट टी20 इनिंग है, मतलब रिकॉर्ड बनते ही टूटने सामने से बल्लेबाजी करते देखना मैजिकल था। आपको यकीन नहीं हो रहा था कि जो देख रहे हैं आप सच है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने 13 ओवर मैच खत्म करने का सोचा था, लेकिन फिर 10 बॉल रहते भी खत्म करना हमारे लिए अच्छा है। सेमीफाइनल में भी हमारे लिए जगह बाकी है। हम आपको बता दें कि अभी भी इनकी टीम के सेमीफाइनल में जगह बाकी है, क्योंकि अगर अगला मैच जीत जाते हैं बड़े मार्जिन से और बाकी दो टीमें जो हैं वो हार मार्जिन मैटर करता है, फिर इनके चांसेस बन जाते हैं। लेकिन क्या बल्लेबाजी थी यार, मतलब क्या ही कहा जाए। आप सोचिए ना, 145 रन 63 गेंद, लेकिन ऐसे देख के मौका रन चेस करते इतने बड़े लग रहा है भाई क्या हो सकता है। हालांकि जेसन रॉय ने भी कहा कि यार पिच जो थी ना वो गेंदबाजों के लिए अच्छी नहीं थी, एकदम फ्लैट पिच थी और उसका लुत्फ उठाना था और हमने किया, हमारा दिन था, हमने उसको पूरी तरह से ग्रैब कर। 34 गेंद पे 74 रन सैम अयूब और 65 गेंद पे 115 रन बाबर आजम। शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई। सैम अयूब के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिहाज से एक स्पेशल टैलेंट है, खासतौर पर जब बाबर और रिजवान दोनों थोड़ा स्लो खेलते हैं। ऐसे में सैम अयूब जैसा खिलाड़ी जो है वो बहुत स्पेशल है और आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। बाबर ने भी अपना पूरा किया। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हर इंसान का सपना होता है कि वो कुछ करे। मेरा भी सपना है कि हमारी जो लीग है उसमें हम शतक मारें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, मुझे चुभता है। और आज उन्होंने ये शानदार शतक मारा। मार्टिन गप्टिल ने उनकी तारीफ में कहा कि बाबर आजम आपको जो शतक मारे रूथलेस नहीं होते हैं, लेकिन अपनी क्लासिक बैटिंग से आपको हरा देते हैं, मैच आपसे ले जाते हैं। हालांकि मैच जो है वो मैच और इंप्रेशन सब आज जेसन रॉय, मतलब क्वेटा की बल्लेबाजी को मैंने समझिए कि 4 बल्लेबाज बैटिंग करने हैं जिसमें 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर। लेकिन जेसन रॉय साहब के बारे में क्या कहा जाए, मतलब जितने शब्द आप कहेंगे वो कम पड़ जाते हैं। सारे शॉट्स, जेसन रॉय का करियर जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। जॉनी बेरिस्टो, जॉस बटलर के सामने वो नजर नहीं आ रहे थे, उसके बाद हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी आ गए, सारी तारीफों के हकदार जो इस टाइम कुछ सालों में। लेकिन ये कमबैक जो है ना, ये उनके करियर का डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। और अभी उनकी उम्र 32 साल है, एंड आई एम श्योर कि IPL से लेकर आगे जो टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उनके देश के हर जगह पर, अब उनको बहुत ही सीरियस तरह से कंसीडर किया जाएगा और उनका करियर जो है बहुत अच्छा होने वाला। बहुत सारे पैसे ये पारी उनका करियर बचा लिया आने वाले वक्त में। लेकिन इट वाज अ गुड मैच, ट्रीट टू वॉच और शानदार शानदार। अब आपको क्या लग रहा है कि अभी भी टॉप 4 में कोई बदलाव हो सकता है? क्या क्वेटा पहुंच सकती है? लेट्स यू सी इस मैच। यू तो सेंचुरी बाबर ने भी मारी है, एक ख्वाब पूरा किया है। लोगों की नजरों में, उनकी खुद की नजरों में था कि यार मैं कभी सेंचुरी मारूं PSL के अंदर, ऐसी लीग के अंदर, तो वो ख्वाब उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन चर्चे भाई जेसन रॉय के हो रहे हैं। 145 रन नाबाद मारना और इतनी फुर्ती से, इतनी तोड़ा ताड़ी तरीके से मारना, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत तगड़ी बात है। एंड सच में यार ये आप बनता है कि इसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि ऐसी इस लीग के अंदर इतना बड़ा स्कोर हो जाना, दोनों टीम्स के रन अगर निकाल कर देखे जाएँ तो बहुत बड़ा स्कोर बन जाता है। इंडियन मीडिया इसके चर्चे इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऐसी चीज़, ऐसे क्रिकेट देखने पर आप अगर उसकी तारीफ़ ना करें, आपको पसंद ना आए, या फिर आप इसमें भी आप चिढ़ते रहें कि यार नहीं यार ये तो पाकिस्तान की लीग है, सब बेकार है, नहीं यार वो तो इंडिया की लीग है, बेकार है यार, मज़ा नहीं लेते। मतलब जो असली क्रिकेट देखने वाले होंगे, असली क्रिकेट के फैंस होंगे, वो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा क्रिकेट जहाँ पर भी हो रहा है उसको देखकर अप्रिशिएट करें कि यार ये क्रिकेट यार कुछ देखने को मिला है, कुछ अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिली है। तो वैसे ही कुछ देखने को मिला, भूत उतार दिया पेशावर जलमी के बॉलर्स का।
जबकि उनको पता है कि हम निकल रहे हैं और एंड टाइम पर आकर ये चीज़ें दिखा रही है। जेसन रॉय का करियर बच रहा है, क्वेटा जो है वो ये दिखा रही है कि भाई अभी हमें है, जो बहुत ही छोटे से चांसेस बचते हैं उनके अभी सेमीफाइनल में जाने के, उसके ऊपर भी काम करना कर रहे हैं वो लोग। पानी फेर दिया बॉबी के सेंचुरी पर। ओवरऑल PSL तगड़ा टैलेंट और बहुत तगड़े मैचेस दे रहा है देखने के लिए कि हम उसको देखकर एंजॉय करें, मज़ा लें, और हमें एक से एक नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। क्या कहते हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।